धामना स्थित चामुंडी एक्सप्लोसिव में हुए ब्लास्ट में 6 लोगों की मौत हो गई है तो कुछ गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। इस घटना के बाद जख्मियों को नागपुर के दंदे और सेन गुप्ता अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां जख्मियों के परिजनों से पैसे वसूलने की जानकारी देते हुए पूर्व मंत्री अनिल देशमुख ने कड़ा सवाल किया है, जहां उन्होंने कहा कि फडणवीस कहते हैं कि प्रशासन पूरी तरह ध्यान देता है, फिर 4 अधिकारियों के समक्ष उनके पैसे कैसे वसूले गए। साथ ही उन्होंने इस वक्त राज्य सरकार द्वारा 25 लाख तो कंपनी द्वारा 50 लाख मुआवजा देने की बात कही है। कल नागपुर में जो एक एक्सप्लोसिव यूनिट में जो स्फोट हुआ, उसके बाद जब मरीज को सेन गुप्ता अस्पताल में जब ले गए, तो वहाँ पे कंपनी की तरफ से इंतजाम करना चाहिए था कि वहाँ पे जो कामगार वहाँ पे इलाज के लिए गए उनको अच्छी तरीके से इलाज हो। लेकिन सेन गुप्ता अस्पताल में जाने के बाद वहाँ पे कंपनी के 2 लोग थे, प्रशासन के 2 लोग थे, उसके बावजूद जो कामगार थे जो वहाँ पे इलाज उनका चल रहा था, उनके रिलेटिव को पैसे मांगे गए। और इस प्रकार से जब तक आप पैसे भरते नहीं तब तक हम इलाज करेंगे नहीं, इस प्रकार की बात वहाँ के डॉक्टर ने की। ये 2000 रुपये उन्होंने इधर उधर जमा किए और वहाँ पे 2000 रुपये भरने के बाद वहाँ पे उन्होंने इलाज चालू किया। मेरा कहना यही है कि प्रशासन ने इतनी बड़ी घटना घटने के बाद में ध्यान देना चाहिए। जो कामगार को इलाज के लिए भेजा गया था उनको वहाँ पे पैसे मांगे जाते हैं, करके मेरी मांग है कि इस दुर्घटना में जो कामगार की मृत्यु हुई उनके रिश्तेदार को राज्य शासन की ओर से 25 लाख और जो कंपनी है उनके तरफ से 50 लाख रुपए हर एक को देना चाहिए, ये मेरी मांग है। और इसकी उच्च स्तरीय चौकसी होना चाहिए और उसी प्रकार 304 की धारा के तहत उनके पर कार्रवाई होना चाहिए।